हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस साल एग्जाम यूट्यूब चैनल, फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम बात करने वाले इस वीडियो के साथ आप लोग का, देखिए 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट आप लोग को एग्जाम हो चुका है, इससे रिलेटेड हम बात करने वाले आप लोग क्वेश्चन वहाँ पर कैसे पूछा गया था, ठीक है। SSC GD फर्स्ट शिफ्ट 27 जनवरी का आप लोग का एग्जाम हो चुका है, तो बिल्कुल A to Z आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन आप क्वेश्चन के साथ आप लोग विद आंसर के साथ हम डिस्कस करने वाले, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग का क्वेश्चन डिस्कस करें, विद आप लोग का आंसर के साथ आप लोग का डिस्कस करने वाले। और दोस्तों बता दें, एक क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग का उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उससे भी रिलेटेड हम बिल्कुल A to Z देखने वाले, मतलब लोग का हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे मारे को मान के चलो 50 क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन आप लोग का बन सकती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इससे मत कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा कि आप लोग का महानवादी किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद आप लोग का 76 मतलब 76 अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ किसने किया था और कब किए थे? ये आप लोग का हो गया नरेंद्र मोदी जी किए थे, जिनको हम लोग का नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है। तो ये कब किए थे? 11 नवंबर 2022 को किए थे। और आप लोग का ये कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, बस पूछा था कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन की शुभारंभ किसने किया था, तो ये आप लोग को मोदी जी किए थे। और डेट आप लोग को पूछ दिया था, बता देना 11 नवंबर 2022 को किए थे। और आप लोग का ये कहाँ हुआ था? ये आप लोग का बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और पूछ दे कि स्टेशन का क्या नाम है, जो स्टेशन आप लोग का वंदे भारत एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हुआ था, स्टेशन क्या नाम आप लोग का? KSR रेलवे स्टेशन है, ठीक है दोस्तों। KSR आप लोग का याद रखना, बिल्कुल रिलेटेड आप लोग बता दिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछे घुमा फिरा के कभी भी शिफ्ट में, तो आप लोग बता देंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार आप लोग को सत्तवा, देखिए ये क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, सत्तवा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अब डेट नहीं पूछा है, समय आप लोग का नहीं पूछा है, बस आप लोग देखिए घुमा दिए क्वेश्चन, आप पूछा है कि उद्देश्य क्या था, तो बता दें इसका उद्देश्य आप लोग का सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता और खाद्यान्न का रिलेटेड आप लोग का ये था, खाद्यान्न और उत्पादन जैसे रोजगार पैदा करने की क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था, ठीक है दोस्तों, उद्देश्य यही था। तो मोटे तौर पर आप लोग देख लिए। उसके बाद बता दें दोस्तों, अगले शिफ्ट में, अगले नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग पूछ सकता है कि डे में कि सत्तवा पंचवर्षीय योजना का मतलब समय पूछ सकता है कब हुआ था, ये आप लोग पूछ सकते हैं, ये आप लोग को याद रखना 1985 से लेकर आप लोग का 1990 था, ठीक है दोस्तों, 1985 से 1990 मतलब लोग 5 वर्ष की योजना होती है, हर 5 वर्ष के बाद होती है, ठीक है, बिल्कुल हमें टीचर बता दी। और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगले वाले आने वाले शिफ्ट में, आने वाले डे में, तो क्या पूछ सकता है, पहली पंचवर्षीय कब हुआ था, तो पहली आप लोग पंचवर्षीय योजना कब, ये आप लोग याद करेंगे ना, तो 13 आप लोग का पंचवर्षीय याद कर लेंगे, मतलब अब तक 1 से लेकर 13 तक पंचवर्षीय हुआ था। और अब मैं पहला कब हुआ था, लास्ट कब हुआ था, मैं बिल्कुल A to Z डिस्कस कर दिया हूँ, पर आप लोग एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला आप लोग कब हुआ था, यह हुआ था 1951 से लेकर आप लोग का 51 से लेकर आप लोग 1956 तक, ठीक है दोस्तों, ये बता रहा है 56 तक हुआ था। और इसी प्रकार द्वितीय आप लोग को देख लेंगे, 56 से आप लोग का 56 से 5 जोड़ देंगे आप लोग क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 1956 से लेकर 1961 दूसरा ही होता, तीसरा भी जोड़ सकते हैं आप लोग का 67 हुआ था, ये आप लोग का जोड़ते चलेंगे 66 हुआ था, इसे जोड़ते चलेंगे ना तो आप लोग का 13वीं तक जाएंगे, 13 आप लोग का पंचवीं कब हुआ था, लास्ट आप लोग का ये होता 2017 में हुआ था, जो कि इसकी नाम बदल के आप लोग का योजना आयोग कर दिया गया, जो कि आप लोग नीति आयोग द्वारा ये आप लोग का होता है। अगर इसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो बता देना आप लोग का इस समय जो आप लोग का प्राइम मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वही आप लोग का नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को पूछ सकते हो, तो बता देना नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग का, मैं बता दिया सत्य योजना, इनका योजनाओं का उद्देश्य भी याद रखना, ठीक है दोस्तों, पहली दूसरी तीसरी जो 13 तक आप लोग योजनाओं का उद्देश्य क्या है, थोड़ा मोटा मोटा तौर से याद करें। देखिए आप लोग जब याद कर लें, सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता और मतलब धन्य, थोड़ा सा याद कर लेंगे बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस थोड़ा सा याद कर, उसके बाद आप लोग का टिक मार देंगे। समय आप लोग को याद करने का, फर्स्ट आप लोग का पंचवर्षीय योजना याद रखना, पहला कब हुआ था 1951 में, आप लोग का जोड़ते चलिएगा, 5 पर जोड़ते चलिएगा, उससे आप लोग निकलता चलेगा, ठीक है, तो 13 तक हुआ था, 13 लास्ट आप लोग याद रखना, 2017 तक हुआ था, इसका नाम चेंज करके आप लोग का पंचवर्षीय नाम चेंज कर योजना आयोग कर दिया गया, योजना आयोग नीति आयोग द्वारा आई थी, नीति आयोग का अध्यक्ष आप लोग का नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही आप लोग का ये होते हैं, ठीक है। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल बात कर दिए, कोई भी डाउट हो क्लियर हो आप लोग हो जाएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग का कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा,
उपाधियों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो उपाधियों का संबंध आप लोग का अनुच्छेद 18 से है, मतलब इसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपाधियों का संबंध अनुच्छेद 18 से है, पर इसमें क्या उपाय मतलब क्या दर्शाया गया, तो इसमें दर्शाया गया आप लोग का राज्य सेना या विद्या संबंधित सम्मान से सिवाय और कोई भी उपाधि मतलब प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या सेना और विद्या संबंधित सम्मान से सिवाय और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता, ये आप लोग का उपाधियों का संबंध है अनुच्छेद 18 में। ठीक है, याद रखना। इसी पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये आप लोग का याद रखना। अगर आप लोग का भारत में पूछे तो भारत कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो बता देना नर्मदा और ताप्ती नदी। जो आप लोग क्वेश्चन पूछा गया होगा वैसे आप लोग का आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी आप लोग को पूछा गया होगा इस फर्स्ट शिफ्ट में तो आप लोग का आंसर दिए होंगे। अगर सिर्फ आप लोग पूछे कि अरब सागर ये पाकिस्तान की नदी है सिंधु नदी, ये भी आप लोग अरब सागर में गिरती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोग का जो। ठीक है, इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आप लोग को सुंदर का पर्यायवाची शब्द ललित होता है, ललाम होता है, मंजूल होता है, रुचिर होता है, चारु होता है, मनोहर होता है, सुहाना होता है, ये सब आप लोग को सुंदर का पर्यायवाची शब्द जो आप लोग को दिया होगा उससे आप लोग का किए होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पूछा गया, देखिए 7 नंबर की पूछा गया कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये आप लोगों का आंसर जो आप लोग जानते होंगे रॉबर्ट हुक ने किया था, और कब किए थे ये भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। देखिए इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग कथकली नृत्य किस राज्य के है, तो ये आप लोगों का केरल का है। ठीक है, इस पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम आप लोग का विराग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखिए इसी प्रकार आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का फसलों का त्यौहार कब मनाया जाता है, ये आप लोग का फसलों का त्यौहार वही आप लोग लोहड़ी के आसपास मतलब आप लोग 14-15 जनवरी के बीच मनाया, मकर संक्रांति में जानते होंगे खिचड़ी बोलते हैं अपने ये उत्तर प्रदेश के आसपास इलाके में, कुछ मकर संक्रांति में बोलते हैं, उससे पर तमिलनाडु आप लोग को पोंगल बोलते हैं, ये आप लोग का फसलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिए मैथ के आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ को बता दें 2 क्वेश्चन आप लोग मेंस्ट्रुएशन का हर शिफ्ट में आ रहा है, हर डे आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। उसी प्रकार आपको कंपाउंड इंस्टेंट का भी आप लोग का जो हम लिखे हैं ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, मैथ के ये भी आप लोग कंपाउंड हर शिफ्ट हर डे आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट हर डे आ रहा है, परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चन आप हर डे हर शिफ्ट में आ रहा है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, उसके बाद आप लोग का ये हो गया टाइम इन वर्क का 2 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट आप लोग का वही आप लोग का सिलेबस वही आप लोग का बार बार आप लोग का ये तो जीके जिस तो दो से तीन क्वेश्चन रिपीट हो रही है ये मान के चलो। जो बंदे जो स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियो देख रहे हैं ना उनसे आप लोग देख के जाइएगा, प्रैक्टिस कर जाइएगा, आप लोग को जरूर फंसेगा 2-3 क्वेश्चन जीके की। ठीक है, इसलिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोग का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जीके क्या नाम है SSC GD 2023 से आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ एनालिसिस आप लोग जो वीडियो है जो आप सारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।